यार ये तन ठाट तमूरे का भाई, ये तन ठाट तमूरे का भाई, ये तन ये तमूरा बजता है। तमूरा तो आपने देखो नहीं होगो, पर ढोलक तो बज रही है। आप सब लोगों के चेहरा खिले हुए हैं। ढोलक नहीं बजती तो तुम सुनते और बढ़िया सुनते, पर बाको आनंद भाई को है। तो ये शरीर है, ये हमारा तमूरा है। अगर बढ़िया साधना तमूरा को कोई साध करके बजाएगा तो उसमें से राग निकलेगा और बेहोशी है भाई खुटी हट गई तो का उतार टूट जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए ये शरीर है हमारा तमूरा है। देखिए पांच तत्व का बना तमूरा, पांच तत्व का बना तमूरा, अरे तार लगा नव तीरे का, तार लगा नव तीरे का भाई, ये तन ठाट तमूरे का भाई, ये तन अरे तार लगा नव तीरे का भाई, तार लगा नव तीरे का भाई, ये तन ठाट ये हमारा शरीर पांच तत्व से बना हुआ है। कहते हैं पांच तत्व से बना हुआ है और तीन गुणों से कसा हुआ है। ये पचरंगा झंगा करो रे मन सतसंगा, त्याग विषय रसरंगा करो रे मन सतसंगा। ये तीन गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, इनकी हमें परख परचय जरूर करना चाहिए। सवेरे हमारे राधेश्याम सरपंच जी जो परमार मालोनी से आए हुए थे, उन्होंने पूछा महाराज हमारे शरीर में तीनों गुणों का प्रभाव क्या हर वक्त रहता है? मैंने कहा जब तक शरीर रहेगा तब तक तीनों गुणों का प्रभाव रहेगा। जो रजोगुण है वो हमको क्रिया में बांधता है, तमोगुण है वो हमको आलस्य नींद और प्रमाद में बांधता है, और शुद्ध सतोगुण है वो हमको ज्ञान और सुख में बांधता है। इसलिए तीनों गुण प्रकृति के ये माया के ही हैं, पर कोई साधक अगर समझ लेता है इन तीनों गुणों को तो वो तीनों गुणों का सदुपयोग कर लेता है। जैसे कहीं कहीं भाई लोग कहते हैं महाराज जब हम ध्यान पर बैठते हैं हमें नींद आ जाती है, तो नींद इसलिए आ जाती है कि वो तमोगुण रहता है उस समय। आप जैसे सवेरे ही बैठे ध्यान पर तो आपको नींद आ गई, जमाई आ रही है, बार बार आलस आ रहा है, तो ऐसी अवस्था में तो सो लो तो बढ़िया है। ध्यान प्याने रहने दो, सो लो। हम ध्यान को बैठे हैं और हमारा मन चाह रहे हैं भैंसे सानी दिया हूं या खेतों पे काम करने में, तो उस समय तुम्हारे भीतर में रजोगुण है, तो उस समय काम कर लो खूब। और जब तुम्हारा चित्त ठहराव में हो, ये पकड़ बनाए रखो, जब चित्त ठहराव में हो लग रहा है कि अब तो बैठ जाओ थोड़ा गुरु महाराज को ध्यान करो, और एक बार समय 24 घंटा में सबको मिलता है, ये प्रकृति का नियम है। 24 घंटा में एक बार ये समय सबको मिलता है, जाने में और अनजाने में। कोई जानता है वो उसकी पकड़ कर लेता है, और जो नहीं जानते हैं उनके हाथ से निकल जाता है। इसलिए परख होनी चाहिए। तो तीनों गुणों के हम अगर पारखी होंगे तो हम तीनों गुणों का सदुपयोग कर लेंगे,
जब तामस आ रहा है, तमस है, तो हम आराम कर लें, रजोगुण है तो हम अपने घर के कार्यों को कर लें, और सतोगुण है तो प्रेम थोड़ा ध्यान कर लें, भजन कर लें, बैठ जाएं हम शांत होकर के। इसलिए अरे तार लगा नव तीरे का भाई, तार लगा नव तीरे का, हाँ ये तन एचत तार मरो रत खूंटी। अगर आप तुम सही होश में और सावधान हो, फिर तुम गाली नहीं बकोगे काउते, फिर तुम किसी की चुगली निंदा नहीं करोगे, चाहे पड़ोसी कितनों खराब हुए लेकिन बुराई नहीं करोगे, क्योंकि वास्तव में ही सदगुरु कबीर साहब जी ने ये कहा है कि बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, और जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोय। जब तुम गहराई से पहुंचोगे कहीं ना कहीं, तो वो तुम्हें अपनी कमजोरी जरूर मिलेगी, और अपनी कमजोरी मिल जाएगी तो तुम शांत हो जाओगे। ये बहुत बड़े मजहब की बात है। आप जिस समय होश में हो, ठीक सावधान हो, वाणी भी बोलोगे तो अच्छी बोलोगे, मीठी बोलोगे, बढ़िया बोलोगे। और एक बात बताएं, वाणी से चाहे तो तमाम कले इकट्ठे कर ले, कलेश इकट्ठे कर ले, और चाहे तमाम सुख और शांति इकट्ठी कर लो। वाणी से उपजे कले कल्पना मीच। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा जो होश के साथ बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं। यही है खूंटियों को खींचना। क्या बोला मैंने? एचत तार मरो रत खूंटी, मरो रत खूंटी, अरे तब निकले रागू झूरे का, तब निकले रागू झूरे का भाई, ये तन ठाट तमूरे का भाई, ये तन निकले रागू झूरे का। उस समय तुम्हारे भीतर में जो राग निकलेगा वो आनंद का निकलेगा, वो तुमको भी सुख देगा, दूसरों को भी सुख देगा। उस समय की शांति तुमको भी, तुम तो शांत रहोगे ही, लेकिन तुम्हारे आसपास बैठने वाले भी लोग शांत हो जाएंगे। आपके पास अगर कोई आकर के बैठ जाएगा तो लगेगा कि अभी और बैठे हैं, अभी और बैठे हैं, अभी और बैठे हैं। इसलिए अरे निकले रागू झूरे का भाई, ये तन ठाट तमूरे का भाई, ये तन टूटे तार यू खरी गई खुटिया, ये टूटे तार यू खरी गई खुटिया, अरे होए गयो धूरम धूरे का भाई, होए गयो धूरम धूरे का भाई, ये तन ठाट तमूरे का भाई, ये तन। ये सिद्धांत कहता है कि जियो और जीने दो। देखिए कल ये जिला मुरैना में कैसा बुरा कांड हुआ है, हालांकि मैं बुरा तो कहते ही नहीं, वैसे ये भी कहा है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है। 6 लोग मारे गए उसमें, वीरान हो गया मामला। 2-6 साल पहले मारे गए, अब 6 एकदम आप मारे गए, 3 घायल हैं, और अभी जी का पीछे झूठे को कि तुम बहुत बाहर चले जाएं, एक पांडित तो भले ही, और अब जिनके को बच्ची बच्चे आओगे तो फिर 4-6 साल में फिर मरा मरी होगी। सज्जनों कहते हैं कि लड़ाई को और मही का बढ़ाना, चाहे जितना बढ़ाते चले जाओ, और सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि बढ़वत बड़ी गठावत छोटी। इसलिए
मैंने पहले कहा था कि हारे तो हर जन भले जीतन दे संसार, और हारे तो हर से मिले जीते जम के। हाँ, इसलिए मेरे प्रिय बहन भाइयों, सुख और शांति से जीवन जियो, जियो और जीने दो प्यार से। कोई बात 100, 200, 500 रुपया की, कोई जगह हाथ दो हाथ, चार हाथ, दस हाथ की, बीघा दो बीघा की, कोई भूखा नहीं मरता है। और आप ठीक ठाक रहेंगे सज्जन, तो इन चीजों की फिर कोई वैल्यू नहीं है। ये सारी चीज तुमसे ही है, इन चीजों से तुम नहीं हो। अगर इन चीजों के पीछे तुम मर गए तो तुमने अपने आप को नहीं समझा। इसलिए होएगा अधूर मधूरे का भाई, ये तन ठाट तमूरे का भाई, ये तन ठाट कहे कबीर सुनो भाई साधो। हाँ, कहीं कबीर सुनो जाए समझो, अरे यगम पंत कऊ सूरे का। हाँ, यगम पंत कऊ सूरे का भाई, ये तन ठाट भैया ले सदगुरु की शरण, उमरिया बीती जाए रही है यारो ले साहिब की। हो बीती जाए रही है, हाँ बीती जाए रही है, उमरिया बीती जाए रही है यारो ले साहिब की शरण। भैया ले सदगुरु की शरण, उमरिया बीती जाए रही है। भैया ले सदगुरु की शरण, उमरिया।